हेलो दर्शक मित्रों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक राजस्थानी डिश दाल बाटी। अब ये बाटी की रेसिपी है। यहाँ मैंने गेहूँ का आटा लिया, इसमें ये नमक डाला है मैंने, और इसके साथ ही अब मैं डालूँगी सोडा है। ये सोडा डालना है अब इसमें, और आपके अंदाज से सोडा डालिए। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको दो तीन बार चलनी से छान कर ऊपर की तरफ हाथ ले जाते हुए इसमें हवा देना है ताकि बाटी अपनी सॉफ्ट बने। छान लिया है ये दो तीन बार ऊपर नीचे करते हुए इसको छान लिया है। इसमें ही मैं थोड़ा जीरा डालूँगी। ये अजवाइन है जो पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसमें डालना होता है। ये थोड़ा मैंने ऑयल और घी मिक्स करके गरम किया है। आप अगर चाहें तो सिर्फ घी भी डाल सकती हैं, लेकिन घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने के लिए हमें इसमें तेल भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसको हम मिलाएंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको। इसको जितना अच्छे से मिलाएंगे उतनी ही सॉफ्ट नेस उसमें ज़्यादा आएगी। अब ये थोड़ा बेसन डाल रही हूँ मैं इसमें। बेसन डालने से बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है बाटी, उसमें कुरकुरापन सॉफ्टपन बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, बहुत अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें पानी डालेंगे, पानी डालकर इसको एक पूड़ी की तरह आटा गूंद लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ मिलाना है। हाँ, अब इसको मिला करके अच्छे से इसके ऊपर तेल लगा करके या घी लगा दीजिए, जो भी लगा करके, और अच्छे से इसको ढक दीजिए। आधा घंटे तक इसको रखना है, उसके बाद इसकी गोल गोल लोइयां बनाकर बाटी बनाना है अपन को। अब ये बाटी का ओवन है, इसमें ये गोल गोल लोइयां बनाकर हम रखेंगे। और इसमें गोल गोल में एक बीच में छेद कर देंगे ताकि बीच में से बाटी अच्छी सिक जाए। वो छेद इसलिए करते हैं कि बाटी कच्ची ना रहे अंदर से। अब इसको हम ढक देंगे, ढक कर इसको 10 से 15 मिनट होने देंगे, और फिर पलट करके इसको चेक करेंगे दूसरी तरफ पलट देंगे। बाटी सिक करके तैयार हो बाद हम बाटी को ओवन से निकाल करके घी गरम करके घी के अंदर हाथ से बाटी को दबा करके डाल के और उसको तल लेंगे। तल करके और निकाल लेंगे। हाँ, ये बाटी तैयार बाटी है। ओवन से निकाल कर इसको हमने गरम घी करके और उसमें तल लिया है, और तलने के बाद ये बाटी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दर्शक मित्रों, हम आपके लिए नई नई रेसिपीज लाते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे देखते रहिए, लाइक कीजिए इसको।